नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की और बीपीएससी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो छात्र नए हो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात हो रही थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, अगर बदलाव नहीं तो महा आंदोलन तय। मेरी बहुत सारे छात्रों से बात हुई है, अलग अलग संगठनों से बातचीत हुई है, और विद्यार्थियों को ये कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं मानता है हमारी मांग को तो हम एक बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। और ये केवल एक संगठन या एक ग्रुप की बात नहीं है, प्रयागराज के ज्यादातर विद्यार्थियों का यही कहना है। क्योंकि अभी हाल ही में यानी कि कल बिहार लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी की है जिसमें एग्जाम को लेकर के अपनी स्थिति उसने तो स्पष्ट कर दी है। बीपीएससी में भी चर्चाएं थी कि वहां पर भी दो दिन परीक्षाएं होंगी। जो 17वीं बीपीएससी का विज्ञापन निकला हुआ है उसकी बात हो रही है, वहां पर भी विद्यार्थियों ने आंदोलन किया और उसके बाद बीपीएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दी है। अभी मैं बीपीएससी की ऑफिशियल नोटिस आपको दिखाऊंगा। और जो प्रियंका गांधी ने टारगेट किया उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, मैं वो बात भी करूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, परीक्षाएं दोनों पोस्टपोन हो चुकी हैं, थोड़ा सा समय विद्यार्थियों को मिल गया है। और इस समय अगर आप लोग अपनी तैयारी को और अधिक स्ट्रांग करना चाहते हो तो यूपीएससी वाला और बीपीएससी वाला के प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी आप प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्स चल रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक सक्षम 3.0 के नाम से कोर्स है 2025 जिन विद्यार्थियों का टारगेट है पीसीएस का। इंग्लिश बैच है यानी कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के विद्यार्थी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलती है जो प्रिपरेशन के लिए आवश्यक होती है। यहाँ पर हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं, उत्तर प्रदेश पर केंद्रित करंट अफेयर मिलता है, डेली प्रैक्टिस सेट, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि चलते रहते हैं। और इस बैच की कीमत देख सकते हैं, इस समय ऑफर चुकी चल रहा है, कितनी कर दी गई है, मात्र 4,999 रुपए, और है कितने का, 9,999 रुपए का। ये जितनी बैचेस में भी आपको बताने वाला हूं, इन सभी में अगर आपने एक कोड लगा दिया परचेज करते समय PSP500 तो आप लोगों को 500 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से एक और बैच यहाँ पर चल रहा है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 2.0 के नाम, RO, ARO और PCS की अगर एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो सही 2.0 के नाम से एक बैच जिसकी फीस तो केवल 1,999 रुपए ही रखी गई है। टेस्ट सीरीज में अगर भाग लेना चाहते हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज कम्बो बैच है 999 रुपए का। यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच भी है 3,399 रुपए में जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। इसी तरीके से एक अभिलिखित बैच है 999 रुपए, इसमें भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं PSP500। बीपीएससी के लिए भी बहुत सारे बैच हैं, 17वीं बीपीएससी के लिए आक्रोश के नाम से है 1,599 रुपए में, यशवी के नाम से एक बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रीलिम्स मेंस और निबंध के लिए 3,999 रुपए। निर्णायक बैच है, ये बाइलिंगुअल बैच है और ये MCQ का बैच है 699 रुपए में। सभी में आप लोग PSP500 का कोड लगा सकते हैं। केवल प्रीलिम्स के लिए 17वीं बीपीएससी के लिए एक बैच है ऊर्जा के नाम से। ये जितने बैचेस आप लोगों ने देखे इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी, तो आप लोग चाहे तो आज ही इससे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफर का लाभ ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ में कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध करा दी गई। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले बिहार की। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने तो नोटिस जारी कर दी। ये देखिए, बिहार भी दो दिन परीक्षा करवाने वाला था, पहले चर्चाएं 15 की थी, फिर 14 की थी, फिर 14-15 की हो गई, और अब साफ कर दिया कि परीक्षा जो है वो केवल एक दिन में होगी यानी 13 तारीख को होगी। लिखा उक्त परीक्षा के आयोजन से संबंधित दिनांक 2 सितंबर को आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर आवश्यक सूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए। बिहार लोक सेवा आयोग की यही प्रशंसा होती है कि वहां के जो चेयरमैन होते हैं या वहां के जो आला अधिकारी होते हैं वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, वहां पर मीडिया को जाना नहीं पड़ता, यहाँ तो ज्ञापन लेने नहीं आते हैं। अभी आरओ के लिए ज्ञापन देने के लिए विद्यार्थी 2 घंटे बाहर खड़े थे, कोई विज्ञापन लेने नहीं आ रहा था। और यहाँ वहां पर विज्ञापन की बात तो दूर, ज्ञापन लेने की बात तो दूर, अधिकारी खुद पत्रकारों को बुलाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि इतने पद आ सकते हैं, ये विज्ञापन हमारा इस दिन जारी हो सकता है, और नहीं जारी हो पा रहा तो किस लिए नहीं जारी हो पा रहा, कौन से पद जुड़ने वाले हैं, या पद जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, अगर जुड़ेंगे तो उनको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, सारी बातें बिल्कुल साफ साफ पूरे साल भर बताते रहते हैं। और अगर कोई जैसे नोटिस एग्जाम वगैरह के बारे में अगर कोई कंफ्यूजन होता है, कोई बदलाव होता है तो तुरंत नोटिस जारी हो जाती है एक बार में। ये देखिए फिर से नोटिस जारी हो गई, कितना बढ़िया काम है, कोई सड़कों पर नहीं आना है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको केवल बस पढ़ाई करनी है। ये नोटिस देकर के उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी और गुस्से में है और ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कैसे व्यवहार करता है छात्रों के साथ में। पहली बात तो जल्दी एग्जाम पोस्टपोन की नोटिस जारी नहीं करता है, मीडिया के हवाले से, पत्रकारों के हवाले से, यूट्यूबर्स के हवाले से, सोशल मीडिया से विद्यार्थियों को कुछ बातें पता चलती रहती हैं, कभी अगस्त में, कभी जनवरी में, कभी मार्च में, कभी 25वीं परीक्षा होगी, कभी 26वीं परीक्षा होगी, कभी नहीं होगी, कभी दोनों की एक साथ परीक्षा, बहुत सारी अफवाहें उड़ती रहती हैं, विद्यार्थियों की पढ़ाई चौपट हो जाती है। वो दिन भर ट्विटर पर लगे रहते हैं, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, यूट्यूब में लगे रहते हैं, फेसबुक में लगे रहते हैं, टेलीग्राम में लगे रहते हैं, और
स्थिति पर भी साफ नहीं होती है। और विद्यार्थियों का यही कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एग्जाम पोस्टपोन की नोटिस देर से जारी की, लेकिन उसमें भी पीसीएस के एग्जाम डेट की जो नोटिस है वो जारी नहीं की है। कंफ्यूजन की स्थिति अभी भी बनी हुई है कि परीक्षा पेपर में रोज आता है 7 दिसंबर 8 दिसंबर 7 दिसंबर 8 दिसंबर, उसके पहले कुछ और आ रहा था। और उसके बावजूद बातचीत की है बहुत सारे विद्यार्थियों से, विद्यार्थियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हमको नोटिस का इंतजार है, आज एक मीटिंग भी होने जा रही है आज शाम को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परीक्षा को लेकर के, देखते हैं उसमें क्या होता है। और बहुत सारे छात्र जो है उनका यही कहना है कि अगर नहीं बदलाव करता लोक सेवा आयोग, और अगर दो दिन में जैसे कि चर्चाएं चल रही हैं मीडिया के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर प्रयागराज में जो छात्र हैं वो एक बार फिर से महा आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन होगा और वो रुकने वाले नहीं है। इसके पहले विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि वो खाली डायरेक्ट आंदोलन ही कर रहे हैं, इसके पहले विद्यार्थियों ने सारे जतन किए जो करना चाहिए, जैसे इटपीस पोस्ट का अभियान चलाया था, 4 दिन से विद्यार्थी लगातार ट्विटर पर अभियान जारी रखे हुए हैं, आज भी ट्विटर पर अभियान विद्यार्थियों का जारी है। और यही विद्यार्थियों का जो अभियान, इसी का असर है कि अब ये जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। जो कांग्रेस की प्रियंका गांधी है, उन्होंने भी देखिए अभी अभी एक अच्छी खासी लंबी पोस्ट लिखी है एग्जाम्स को लेकर के, भाजपा सरकार को घिरा है, लिखा है यूपी में भाजपा सरकार ने लाखों छात्रों के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ किया है, यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा दूसरी बार स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा यूपी टेक्निकल एजुकेशन सर्विसेज 2021 जिसके बारे में आज पेपर में दिया गया है कि 20 तारीख को परीक्षा होनी थी और जिसको रद्द कर दिया गया, प्रावधिक परीक्षा पॉलिटेक्निक लेक्चर वाली उसकी बात हो रही है, आज पोस्टपोन कर दिया गया है। और करप्शन को लेकर के इस सिविल लाइन थाने में प्रयागराज में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, तो उसी के बारे में लिखा है। लिखा बार बार परीक्षा स्थगित करने की वजह से न सिर्फ छात्रों का कीमती समय बर्बाद होता है बल्कि उन्हें आर्थिक और मानसिक नुकसान भी होता है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। इसके अलावा छात्र यूपीपीसीएस की परीक्षा 2 दिन में कराने के प्रस्ताव का विरोध भी कर रहे हैं और उनका तर्क जायज है कि एक ही परीक्षा 2 दिन में होगी तो नॉर्मलाइजेशन की आड़ में स्केलिंग जैसा खेल फिर शुरू होगा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसके लिए पहले से बदनाम भी बोल रहा है। नीचे लिखा है हालत यह है कि यूपी का लोक सेवा आयोग कोई भी परीक्षा आयोजित करा पाने की स्थिति में नहीं है। छात्र ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या आरक्षण खत्म करने की साजिश है, नहीं आरक्षण का इस्तेमाल लेना देना, तो इसमें तो राजनीति घुसेड़ दी जा रही है। ना परीक्षाएं होंगी, ना युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलेंगी और ना ही पिछड़ों दलितों वंचितों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। और नीचे लिखा है कि ऐसा लगता है कि यूपी की सरकार युवाओं का भविष्य बनाने की जगह उनका भविष्य बर्बाद करने की योजनाओं पर काम कर रही है। और नीचे जो नोटिस लोक सेवा की जो जारी हुई है वो नोटिस भी यहाँ पर इन्होंने टैग किए। प्रियंका गांधी ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार ये मुद्दा उठा रही है, भर्तियों से संबंधित रोजगार के जो मुद्दे हैं ये राहुल गांधी से ज्यादा उठाती है। राहुल गांधी तो बहुत ज्यादा रोजगार और इस पर नहीं बोलते हैं, उनका अलग ही एजेंडा है, सभी लोग जानते हैं उनके एजेंडे को, लेकिन प्रियंका गांधी भर्तियों की जो बात है वो उठाती रहती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता, बड़ा स्तर का नेता, जो उसने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा पीसीएस इस मुद्दे पर इन्होंने विद्यार्थियों का साथ दिया है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इनका जो पोस्ट है ट्विटर पर आप वहां पर जाकर के इनको लाइक भी कर सकते हैं, रिट्वीट भी कर सकते हैं। ये प्रियंका गांधी ने जो ये ट्वीट किया है आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने एक लंबा अच्छा खासा पोस्ट किया है और इनकी जो पोस्ट है वो रिपोस्ट करने लायक है, मैं भी इसको रिपोस्ट कर देता हूँ। और इसके साथ में जो ट्वीट है आप लोग ट्वीट भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया में अपनी बात आप लोग करते रहिए। आज के वीडियो में इतना ही, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।